नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महिलाएं जब डिलीवरी होती हैं और उनके बाद जब उनके स्तनों में दूध की कमी हो जाती है तो उनका क्या समाधान है और कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप अपने जो स्तनों में दूध को जो है बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिए वीडियो के, और अच्छा लगे वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आप प्रतिक्रिया जरूर दें जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि महिलाओं में दूध नहीं बनने का या कम बनने का सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं। सबसे बड़ा कारण यह है। कुछ महिलाएँ जो हैं कुछ आलस्य की वजह से नहीं करवाती हैं, या फिर कुछ जो है उनमें जो है कुछ परेशानी होती हैं, जैसे बच्चे उनको अपने टच में जो है अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर जो है स्तनों में दूध पिलाते हैं तो उनको बच्चे कभी काट लेते हैं, तो उस कुछ भी कारण हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनका मन नहीं होता है बच्चों को दूध पिलाने का, वो क्या करते हैं ऊपर का दूध पिलाते हैं, जैसे गाय का दूध हो गया या फिर फॉर्मूला मिल्क हो गया, वो सब पिलाने लग जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि कम से कम एक साल तक तो आपको अपने बच्चों को जो है दूध पिलाना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है स्वस्थ रहे और उसको भविष्य में जाके कोई बीमारी नहीं हो। तो इसके लिए जो है आपको कम से कम एक साल तक तो बच्चों को दूध पिलाना ही चाहिए। और दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर आप दूध नहीं पिलाते तो उसमें होता यह है कि आपका जो हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो बॉडी के अंदर जो है रिलीज होता है जब आप उस बच्चे को दूध पिलाते हैं। आपका बच्चा जब आपके निप्पल्स को टच करता है तो आपके माइंड में एक जो है संदेश जाता है, जिससे माइंड जो है आपके शरीर में प्रोलैक्टिन का जो है उत्पादन तेज करता है और जिससे जो है आपके स्तन में जो है दूध का मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो ये कारण है। तो अगर आप जो है नहीं करवाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो इससे होगा क्या कि आपके स्तनों पर कोई सेंसेशन नहीं होगा। सेंसेशन नहीं होगा तो आपके माइंड में कोई जो है संदेश नहीं जाएगा। संदेश नहीं जाएगा तो आपको पता है हार्मोन का वो संतुलन वगैरह पूरा गड़बड़ा जाएगा, और एक बार अगर आपका दूध बनना बंद हो जाएगा तो फिर वापस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको बच्चे को कम से कम साल भर तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही है अगर आप उसकी स्वास्थ्य जो है अच्छा रखना चाहते हैं। तो फॉर्मूला मिल्क का तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप उसको यूज ही करवाएं, और अगर आप करवाती हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप जो है गाय का दूध भी पिलाएं। आप जो है कम से कम एक साल तक अपने बच्चे को अपना ही दूध जो है पिलाएं, वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को जो है कुछ भी जो बीमारी होती हैं उससे लड़ने में जो है मदद करती हैं। तो इसलिए अगर जो आप जो है माँ का दूध अगर आप पिलाती हैं उसको, तो वो जो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आगे बात करें दोस्तों कि अगर आपका दूध कम हो गया है या फिर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसमें आप कौन से नुस्खे जो है अपना सकती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको जो है जब भी आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद, हाँ ऐसा ज़रूर है कि एक दो दिन तक जो है एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एक दो दिन के बाद जो है आपका दूध आना चालू होता है। तो एक दो दिन तक तो आपका इम्बेलेंस रहेगा, ये तो नॉर्मल है, तीन दिन भी हो सकता है, लेकिन आपका दूध आ नहीं रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि एक तो जो है आप अपने को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखें, आप जो है पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें, क्योंकि दूध में जो है 70 से 75% पानी ही होता है। तो आप अगर पानी नहीं पियेंगे तो दूध बनेगा नहीं। तो इसलिए जो है आपको हाइड्रेट बहुत ज़्यादा रखना है, पानी आपको कम से कम 7 से 8 गिलास पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, और अगर गर्मी का समय है तो ये मात्रा बढ़ा भी सकती हैं। इसके अलावा आपको जो है दूध भी पीते रहना है, मतलब आप सुबह 1 गिलास दूध पी सकते हैं, शाम को 1 गिलास दूध पी सकते हैं, गाय का दूध आप पी सकते हैं, या फिर जो है गाय का अच्छा रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप दूध पी सकते हैं। इससे भी क्या होगा, बॉडी में आपके जो हार्मोन वगैरह हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन है और दूध की मात्रा जो है बढ़ेगी। एक और नुस्खे की बात करूँ मैं तो, आप जो है जीरे को आप सभी लोग यूज़ करते हैं, और जीरा जो है प्रेगनेंसी में जो है प्रेगनेंट महिलाओं के लिए और डिलीवरी के बाद भी जो है दूध को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन आप प्रेगनेंसी में भी जो है अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है अच्छी रखने के लिए आप जो है जीरे का यूज कर सकती हैं, और डिलीवरी के बाद तो जीरा जो है आपके लिए एकदम वरदान है। आप अपने दूध को जो है बढ़ाने के लिए
इस तरह में दूध में कम आने की समस्या है तो उसके लिए जीरे का सेवन कर सकते हैं। अब सेवन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी तरीका हो सकता है। आप इसको भून कर ले सकते हैं या फिर जो है आप इसको छाछ होती है बटर मिल्क जिसको बोला जाता है उसके अंदर जो है डाल के आप ले सकते हैं, रगड़ के ले सकते हैं, या फिर आप जो है जीरा होता है उसकी चाय बना के ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इसको किस तरह से लेना कंफर्टेबल मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप जीरे का सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक औषधि आती है शतावरी, उसका नाम होता है। तो शतावरी जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। शतावरी जो है महिलाओं की एकदम बेस्ट फ्रेंड मानी जाती है, आप ये समझ लीजिए। तो शतावरी जो है आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी, आपको पतंजलि की शतावरी आती है वो भी मिल जाएगी, और भी जो है ऑनलाइन आपको जो है अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगी, इवन शॉप पे भी मिलती हैं। तो शतावरी दोस्तों है कि आपकी जो महिलाओं में पीरियड की समस्या होती हैं उनको भी ठीक करती हैं, उनकी MCs होती हैं उनको जो है रेगुलर करती हैं, अगर आपके उसमें किसी प्रकार की रुकावट होती है उसको दूर करती हैं, और इसके अलावा उसमें पोस्ट प्रेगनेंसी जो भी समस्याएं होती हैं जैसे दूध नहीं आना है या फिर कुछ भी, अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो शतावरी जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आप शतावरी का यूज कर सकते हैं, आप इसका पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ जो है सुबह शाम इसको ले सकते हैं, ये भी जो है बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकार के फ्रूट्स भी हैं जैसे आप कच्चा पपीता होता है वो पपीता आप खा सकती हैं प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले का मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाती है बच्चा हो जाता है उसके बाद जो है कच्चा पपीता आप खा सकती हैं। इसमें भी जो है कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो आपके दूध को जो है बढ़ाते हैं। इसके अलावा सब्जियों में आप लौकी की सब्ज़ी खा सकती हैं, लौकी की सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है दूध जो है बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप जो है फाइबर युक्त जो भी फ्रूट होते हैं जैसे फ्रूट में तो आप देख लीजिए सबसे पहले संतरा है वो खा सकती हैं आप, पपीता मैंने बता दिया आपको, कीवी होता है कीवी भी बहुत अच्छा माना जाता है तो आप कीवी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अन्न में बात करें तो आप जो है दलिया का सेवन करें या फिर ओट्स होते हैं उनका सेवन करें, तो ओट्स में भी जो है फाइबर्स वगैरह होते हैं, आयरन होता है, तो ये सब जो है ओवरऑल आपकी जो हेल्थ जो अच्छा करते हैं, और ये पचने में भी जो है आसानी होती हैं, पचते भी जल्दी हैं, तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं आप सेवन करें। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, आप जो है जीरे का सेवन कर सकती हैं, आप लौकी खा सकती हैं, इसके अलावा आप जो हैं दूध पिए सुबह शाम आप दूध पी सकती हैं, आप जो हैं शतावरी का सेवन करें दूध के साथ सुबह और शाम, इसके अलावा लौकी हैं आप, कच्चा पपीता हैं आप, जो हैं दलिया हैं, ये सब चीज़ें खाएंगे तो आप जो है ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी और आपके स्तनों में भी जो है दूध की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी।